आइए आगे बढ़ते हैं। संजीव जीवा हत्याकांड पर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में संजीव जीवा के हत्या के आरोपी का खुलासा सामने आया है। नेपाल से जुड़ रहे हैं शूटर विजय यादव के तार। नेपाल के माफिया अशरफ से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं विजय यादव के। माफिया अतीक के दोस्त अशरफ ने दी थी 20 लाख की सुपारी, ये बात भी सामने आई है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अशरफ के भाई को जेल में जीवा परेशान करता था। जीवा को रास्ते से हटाने के लिए 20 लाख में डील कर दी गई। काम से पहले विजय को 5,000 रुपए दिए गए और रिवॉल्वर दी गई। लखनऊ पहुंचने पर अशरफ के गुर्गों ने पनाह दी। अशरफ के गुर्गों ने पनाह देकर रेकी भी कराई, सारी जानकारी मुहैया कराई और कुछ दिन पहले नेपाल गया था जहां विजय ने अशरफ से मुलाकात की। अशरफ ने उसे बताया कि उसका भाई अतीफ लखनऊ जेल में है, जीवा बहुत परेशान कर रहा है और जीवा को रास्ते से हटाने के लिए 20 लाख की डील की है। काम से पहले 5,000 मिलेंगे, रिवॉल्वर मिलेगी। और लखनऊ पहुंचकर अशरफ के गुर्गे विजय को पनाह देकर के रेकी कराते, उसकी मदद करते हैं, ये बात भी सामने आ रही है। पुलिस पूछताछ में कई बातें निकल करके सामने आई है। हालांकि सूत्रों से ये जानकारी है कि विजय यादव से जब पूछताछ हो रही है तो एक एक करके जब परतें खुल रही हैं तो चौंकाने वाले खुलासे, जहां नेपाल से तार जुड़ता नजर आ रहा है। नेपाल में अशरफ है, अशरफ का भाई लखनऊ जेल में बंद है और किस तरीके से ये पूरी कहानी परत दर परत सामने आने को है। रुक करेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का लखनऊ से और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लखनऊ में कौन बंद भाई है जो नेपाल से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। शैलेश, ये नेपाल का अशरफ कौन है, इनके बारे में क्या बैकग्राउंड है, समझाएं जरा। बिल्कुल, देखिए सुनीलता, देखिए इस पूरे मामले में हालांकि कल रात में ही जो शूटर था उसको अस्पताल से छोड़ा गया, लेकिन पुलिस लगातार जब अस्पताल में था वैसे जानकारियां जुटाने की कोशिश में लगी हुई है लगातार, और उसी के तहत ये कुछ जानकारियां देखिए सोर्सेस से निकल कर फिलहाल सामने आई हैं। अभी तो देखिए शुरुआत है ये पूछताछ की, आगे तमाम और कड़ियाँ तमाम और खुलासे बाकी हैं। जो अब तक की जानकारी सोर्सेज से आ रही है वो ये कि जब विजय यादव से पूछताछ हुई तो ये पता चला कि उसको नेपाल बुलाया गया था कुछ दिन पहले। कुछ समय पहले जब वो नेपाल जाता है वहाँ पर एक अशरफ नाम के आदमी से मिलता है। इस अशरफ का परिचय जो है फिलहाल इतना सामने आया है कि ये जो माफिया अतीक अहमद था उसका दोस्त है, उन दोनों का आपस में कनेक्शन था। अब अशरफ जो है वो 20 लाख रुपए की सुपारी इस बात के लिए देता है कि उसका जो कहना था शूटर के मुताबिक कि जीवा जो है वो जेल में अशरफ के भाई अतीफ जिसका नाम है उसको परेशान करता है। ऐसे में 20 लाख रुपए में डील होती है ये कि 20 लाख रुपए मिलेंगे जाकर उसको मारने के लिए, और पूरी रैकी जो थी उसके लिए व्यवस्थाएं पूरी मुहैया कराई जाती हैं यहाँ पर शूटर को। शुरुआत में शूटर को सिर्फ 5,000 रुपये देने की, अभी देखिए बात सामने कि सिर्फ 5,000 रुपये और एक पिस्टल दी जाती है आधुनिक, और उसके बाद में उसे लखनऊ में रहने का ठिकाना, यहाँ पर रैकी की व्यवस्था, ये सारे इंतज़ाम करा दिए जाते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर जो ये पूरा हत्याकांड था सबके सामने उसको अंजाम दिया जाता है। अब पुलिस जो है इसके और जो तार हैं उनके जो और कनेक्शंस हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज़ आप अगर देखें इस पूरे मामले में जीवा हत्याकांड में, तो देखिए अभी पूछताछ और तेज़ अब हो पाएगी क्योंकि कल रात में ही अस्पताल से डिस्चार्ज करके शूटर को जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस जो है अपनी पूछताछ को और आगे बढ़ाएगी और बिल्कुल चैलेंज। लेकिन क्या ये बात मानने योग्य है कि कोई उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आकर के 5,000 रुपये लेकर के ये सोचे कि कोर्ट रूम में किसी को मार देगा तो उसे बाकी के 20 लाख मिलने वाले हैं, ये इस पर भरोसा कितना किया जा सकता है और किस तरीके से विजय यादव ने किया, ये जांच के बाद परतें सामने आएंगी। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।